अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने दूसरे चुनाव के लिए बकायदा आज अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। हमारे साथ देखिए प्रत्याशी हैं चारों, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव, सबसे बातचीत करेंगे हम। तो सबसे पहले हम अध्यक्ष पद के जो प्रत्याशी हैं तुषार देहरा जी से बातचीत करते हैं। तो आपने जो मेन पॉइंट है वो अगर आप बताएं नंबर वन की, जैसे मैं हमेशा बात करती हूँ एक दो तीन करके, तो आप सबसे ज़्यादा प्रमुख उसमें किस को रखते हैं जो मैनिफेस्टो में आपके शामिल किया गया है इसका? नमस्ते, मैं तुषार देहरा, मेरा बैलेट नंबर 8 है, मैं अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारा नंबर वन इसमें यही रहेगा कि जो यू स्पेशल बसेज हैं वो चलाई जाए, क्योंकि यू स्पेशल बसेज के लिए हम बहुत समय से लड़ रहे हैं और हमारा बिल्कुल ये रहा है कि हम किसी भी चीज़ को जब तक नहीं छोड़ते जब तक हम उसको सॉल्व ना कर ले। उसके बाद मेट्रो कंसेशन पास, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होना और ऐसे तमाम हमारे बहुत सारे मुद्दे रहेंगे। अभी सप्लीमेंट्री एग्जाम ऑल को मतलब सप्लीमेंट्री एग्जाम सभी कॉलेजेस में होने चाहिए, सभी कोर्सों में होने चाहिए। तो हमारे साथ सुशांत भी हैं, सुशांत धनकड़े। सुशांत, आप किस पद के लिए? मैं उपाध्यक्ष पद का। तो उपाध्यक्ष पद के आप प्रत्याशी हैं, तो आपने अभी बताया कि आप माइंडफुलनेस जो सेंटर शुरू करने वाले हैं, तो उसमें क्या होगा अगर डिटेलिंग के साथ बताएं? उसमें क्या, उसमें काउंसलिंग रहेगी, जितने भी विद्यार्थी जो डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्या है पढ़ाई का प्रेशर बहुत अधिक है। दिल्ली विश्वविद्यालय में कंपटीशन इतना हो गया है, आज के समय में पढ़ाई का कंपटीशन इतना हो गया है, जो बेस्ट क्वालिटी स्टूडेंट्स हैं वो दिल्ली विश्वविद्यालय में CUET के माध्यम से अब आ रहे हैं, तो उनको जो परेशानियां हो रही हैं, उनको जो डिप्रेशन में वो विद्यार्थी जा रहे हैं, उनके लिए एक माइंडफुलनेस सेंटर का हमने निर्माण करने की हमने बिंदु चुना है। उसमें हमारा ये रहेगा, उसमें मेडिटेशन हम उन स्टूडेंट्स के लिए करवाएंगे और उनमें काउंसलिंग रहेंगी, उनसे चीज़ें पूछी जाएंगी, आपको क्या समस्या है, क्या आपत्ति आपको आ रही है, इन सब चीज़ों के लिए माइंडफुलनेस सेंटर। दूसरा बिंदु ये था, मैं खुद स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से आता हूँ, मैं अंडर 14 क्रिकेट खेला हूँ स्टेट लेवल, और अभी वर्तमान में मैं पिस्टल शूटर हूँ और गोल्ड मेडल है मेरा स्टेट लेवल पर। तो जो स्पोर्ट्स के विद्यार्थी दिल्ली विश्वविद्यालय में कोटे से आ रहे हैं, उनकी परेशानियों का भी हल हम चुनाव के बाद उसमें रखेंगे। एक न्यूट्रिशन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो हमारा दिल्ली विश्वविद्यालय नॉर्थ कैंपस में, उसमें वो परमानेंट सुबह से शाम तक रहे। दूसरा है, इसको लेकर आप लोग प्रयास कर रहे हैं, अपने मैनिफेस्टो में भी दिया। हमारे साथ अपराजिता हैं जो कि सचिव पद की प्रत्याशी हैं। तो अपराजिता, आप अलग से बता रही थी बाकायदा इस बार वुमेन मैनिफेस्टो भी लेकर आए हैं आप लोग, तो उसके लिए आपने क्या क्या है कुछ अगर खास बिंदु बता पाए? कुछ खास बिंदु मैं आपके सामने रखूंगी। हम लोग नए गर्ल्स हॉस्टल की मांग कर रहे हैं, क्योंकि मैं खुद एक दूर से आई हूँ, यहाँ पे मेरा घर नहीं था दिल्ली में, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का मैं पढ़ने का सपना लेके आई थी, तो मैं यहाँ चाहती थी कि यहाँ पे हॉस्टल हो, अफोर्डेबल अकोमोडेशन के लिए जो मांग रहती है स्टूडेंट की, हर स्टूडेंट के लिए रहती है, क्योंकि मैं भी एक मध्यम वर्ग से आई थी, तो मुझे भी एक हॉस्टल ही चाहिए था। तो हॉस्टल और बने, क्योंकि सीट्स लिमिटेड होती हैं और हॉस्टल्स बहुत ही कम है DU में, तो और हॉस्टल्स बने, एक सेंट्रलाइज्ड पोर्टल बने हॉस्टल्स के लिए, इस चीज़ की मांग कर रहे हैं। इंटरनल कंप्लेन कमिटी रहे हर कॉलेज में, इस चीज़ की भी मांग कर रहे हैं। गर्ल्स कॉमन रूम रहे हर कॉलेज में, वहाँ पे फर्स्ट एड किट भी हो, इस चीज़ की भी मांग कर रहे हैं हम। और हर कॉलेज में सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग हो गर्ल्स की, ये भी कुछ मुख्य बिंदु हैं जो मैंने आपके सामने रखा। अच्छा, GCR की जो बात है ना, गर्ल्स कॉमन रूम, वो एक बहुत सामान्य मतलब लगभग हर यूनिवर्सिटी में होगा, लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजों में GCR भी नहीं है। जी, ये चीज़ भी है। और जो गर्ल्स कॉमन रूम है उसमें भी जो उसकी हालत है वो भी ठीक नहीं है, वहाँ पे फर्स्ट एड किट वगैरह हूँ, ये सारी चीज़ों के लिए ABUP मांग कर रही है अभी। क्या उसको लेकर आप लोग कुछ मतलब किन किन कॉलेजों में नहीं, अगर आप लोगों ने कुछ पॉइंट आउट करके बताया हो कि इतने 52 कॉलेज में से इतने कॉलेज है जहाँ पर गर्ल्स कॉमन रूम रही ना, इसको लेकर आप लोग अपने मैनिफेस्टो को लेकर? जी, हमने जो मिशन स्वाभिमान कराया था जिसमें सर्वे कराया था, तो उसको पूरा एनालाइज करा के हमारे पास पूरी रिपोर्ट्स हैं इस चीज़ को लेकर कि कौन कौन से कॉलेज में है, कौन कौन से कॉलेज में नहीं है, यहाँ तक कि इस चीज़ का भी डेटा है कि कहाँ कहाँ गर्ल्स कॉमन रूम है पर उसमें हालत नहीं है बैठने की छात्राओं की, तो इस चीज का भी डेटा ABUP के पास है, क्योंकि हम लोग निरंतर काम करते आ रहे थे। अच्छा, दूसरी बात ये भी, आप लोगों ने जो इस बार मैनिफेस्टो जो लेकर आए हैं, तो बकायदा फीडबैक फॉर्म आप लोगों ने भरवाया था हर कॉलेज में जाकर, उसके बाद लेकर आए, तो सिर्फ अगर मैं उसमें क्या छात्रों की तरफ से ये मांग की गई थी? हाँ, छात्राओं की तरफ से सर्वे हम लोगों ने किया था मिशन स्वाभिमान के नाम से, जहाँ पे हमने हर कॉलेज में जाके वहाँ पे जो भी गर्ल्स के इश्यूज हैं उसके लिए हमने सर्वे भरवाया था, जिसमें 20 क्वेश्चंस थे, और अगर उनको और भी कोई प्रॉब्लम है उसके लिए अलग से कॉलम था,
तो वो सारी चीज़ें हम लोगों ने एनालाइज की, उसके बाद में ही ये जो वेमेन का मैनिफेस्टो है वो बनवाया गया है। तो उसमें काफ़ी पॉइंट्स आप जैसे देख भी रहे हैं कि हम लोगों ने सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग के लिए मांग की है, एनसीसी जो एक हर कॉलेज में होनी चाहिए, बॉयज़ एनसीसी, बहुत सारे ऐसे कॉलेज भी हैं जहाँ पे लड़कों के लिए एनसीसी है, लड़कियों के लिए एनसीसी नहीं है, तो उस चीज़ की भी हमने मांग की है। और ऐसा भी बहुत सारे गर्ल्स कॉलेजेस में पाया गया कि वहाँ पे फीमेल ट्रेनर्स नहीं है, जैसे बहुत सारे स्पोर्ट्स है जैसे क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, उनको लेके हर कॉलेज में फीमेल ट्रेनर्स नहीं है, सिर्फ मेल ट्रेनर्स हैं, तो हर कॉलेज में फीमेल ट्रेनर्स हो हर स्पोर्ट्स के लिए, इस चीज़ की मांग ये बीवीपी कर रहा है। अच्छा, ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हो या इस बार तो एनएसयूआई भी लेकर आ रहा है वीमेन मैनिफेस्टो, तो क्या इस बार सबका जोर छात्राओं की तरफ है क्योंकि छात्राओं की संख्या इस बार ज़्यादा है? ये जब हमने सर्वे कराया था तब कोई इलेक्शन नहीं हो रहा था, ये पिछले साल हमारा सर्वे हुआ था, उससे पहले भी, इलेक्शन से पहले भी हमने एक ओपन मैनिफेस्टो दिया था जो सर्कुलेट किया गया था हर एक स्टूडेंट तक की, कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है आप बताइए, हम उसके लिए सोल्यूशन लाने की कोशिश करेंगे। और जब मिशन स्वाभिमान की बात हो, जो गर्ल्स का सर्वे किया गया था वो लास्ट ईयर किया गया था, तब डीयू के इलेक्शन भी नहीं हो रहे थे। जब एनएसयूआई की बात करते हैं तो इलेक्शन के टाइम ही एक्टिव होती है, एक महीना पहले आके वहाँ पे ढोल बजाने लगती है क्योंकि वो चुनाव ही मेढक हैं, सिर्फ चुनाव के टाइम पे ही दिखते हैं। जबकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 365 दिन काम करती है 24 घंटे। जब कोविड काल भी आया था तब भी एबीवीपी ने काम किया था ऋतुमति अभियान के थ्रू, जब सब एकदम घर में बैठे हुए थे, बहुत ही ज़्यादा संकट में थे सब लोग, तब हम लोग एबीवीपी के स्टूडेंट्स आके वॉलंटियर्स वहाँ पे गए थे, बस्ती बस्ती में जाके फूड पैकेट्स दिए थे। और सिर्फ फूड पैकेट्स नहीं, जिस चीज़ तक कि और लोग नहीं पहुंच पाए थे, सैनिटरी नैपकिन भी हमने डिस्ट्रीब्यूट की थी बस्तियों बस्तियों में जाके कोविड काल में भी, तब कोई इलेक्शन नहीं था और तब भी हम लोग। तो ये अपराजिता का ये दावा है कि इन्होंने सब जगह जाकर उसके बाद ही हमने ये इनका कहना है कि मैनिफेस्टो तैयार किया। हमारे साथ सचिन बैसला हैं जो कि सह सचिव पद पर हैं। तो मैं इस, जैसे कि इस बार भी आप लोग सबका जो सेंटर है, इस बार सबका जो जोर है वो छात्राएं जो वोटर्स हैं उन पर है, तो आप लोग भी क्या इस बार मतलब वुमेन मैनिफेस्टो इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि छात्राओं से ज़्यादा से ज़्यादा वोट लेना है? मैम, हमारा पहली बार का ऐसा नहीं है। मैं खुद लगभग 2015 से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ा हुआ हूँ और हमारे यहाँ हमेशा से ये प्राथमिकता रही है कि छात्राओं को, या जो छात्राएं बहनें हैं, जो स्टूडेंट्स हैं फीमेल, उन्हें हम हमेशा से प्राथमिकता देते हैं। जैसे कि हमने मिशन साहसी के अंदर लगभग 10,000 बहनों का डिफेंस, सेल्फ डिफेंस का ट्रेनिंग का एक कैंप चलाया था, तो उस समय तो कोई ऐसा चुनाव का वो नहीं था, उस समय से ही हम ये करते आ रहे हैं और आगे भी ये प्राथमिकता रहेगी, क्योंकि हमें देश के अंदर एक एग्जाम्पल यहाँ से सेट करना है। दिल्ली यूनिवर्सिटी को पूरा देश फॉलो करता है, तो यहाँ का युवा अगर एक ऐसा ट्रेंड, एक ऐसा फैशन यहाँ से देगा कि यहाँ महिलाओं का कितना सम्मान होता है या यहाँ कितनी मतलब इनकी केयर है, तो ये पूरे देश के अंदर ये मैसेज फ्लो होता है और पूरे देश के अंदर सकारात्मकता जाती है छात्राओं बहनों को लेकर। अच्छा, तमाम छात्र संगठनों की तरफ से आरोप लगाया गया था कि आप लोग गर्ल्स कॉलेज में जा रहे हैं जबरदस्ती परमिशन के बिना, तो उनका कहना था कि भाई इस तरह के आरोप जो दूसरे संगठन की तरफ से लग रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? मैम, उन लोगों का काम ही है कि मनगढ़ंत कहानियाँ चलाना, ऐसा कहीं कुछ नहीं था। वो जो हुआ भी था उसमें भी ये था कि परमिशन ली गई, वो कुछ वहाँ के जो लेफ्टिस्ट स्टूडेंट्स थे, कुछ वहाँ कुछ इक्का दुक्का लोग थे, उनके द्वारा वो चीज़ें की गई, बाकी वहाँ छात्रों ने अच्छे से वहाँ स्वागत किया। उसके बाद वीडियो भी जारी किया था, वो वीडियो जारी किया, वो अंदर आपने अगर देखा होगा तो उसमें कुछ छात्राएं खड़ी थी, वो 2-3-4 थे, बहुत कम मात्रा में, कुछ भी नहीं है, लेकिन उन लोगों ने वो थोड़ा बहुत वो किया। उसके बाद वहाँ अंदर जाना उनका हुआ, वो वहाँ मिले, अच्छे से सबने मिलकर स्वागत किया और समर्थन का पूरा वादा दिया। अच्छा, इस बार छात्रों से क्या अपील, क्या करना चाहते हैं आप लोग कि वोट डालने के लिए जो नंबर आपने यहाँ बकायदा लिख रखा है और ये मैनिफेस्टो भी देखे इस बीच, तो क्या अपील क्या करेंगे सबको वोट डालने के लिए कि वोट डालने जरूर है चाहे? एक तो 4 साल के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में चुनाव होने जा रहे हैं, तो सभी को, स्टूडेंट्स को पता नहीं है, हम भी कॉलेजेस में जा रहे हैं कैंपेनिंग कर रहे हैं कि भैया हमारे पास वोटर कार्ड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, आपका जो कॉलेज का आई कार्ड है उसको आप 22 तारीख को लेके जाइए, आपके कॉलेज के आई कार्ड से आपका वोट डलेगा और भारी बहुमत में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को विजयी बनाए, 4-0 का स्कोर इस बार डूसो में खड़ा करें, 8-4-3-4 का पैनल इस बार डूसो में लेके आए। निश्चित तौर पर जो हम पूरे साल काम कर रहे हैं हमें केवल उसके आधार पर एक रिजल्ट चाहिए, ऐसा नहीं है कि आज चुनाव आ गया, आज हमने मैनिफेस्टो निकाल दिया और इस चीज़ को आप देखते हो दें,
आप आकलन करें जो मैनिफेस्टो में है वो इस साल पूरा हो जाएगा? इस साल पूरा होगा या नहीं होगा ये तो मैं आपसे नहीं कह सकता, लेकिन जो मैनिफेस्टो में है हर एक बिंदु के लिए हमारी तरफ से 100% एफर्ट दिया जाएगा। उसमें आप कभी शिकायत नहीं कर पाएंगे कि हमने लिखा और लिखकर छोड़ दिया। हम हर चीज़ को आपको रिपोर्ट दे देंगे कि हमने इस चीज़ के लिए इतना इतना प्रयास किया है, और पूरा प्रयास रहेगा कि हर एक बिंदु को हम उस पर विजय प्राप्त करकर स्टूडेंट्स को राहत दिला सकें जो जो हमने समस्या लिखी है। तो ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जो पैनल है हमने उसे आपको मिलवाया वो, और ये देखिए ये मैनिफेस्टो है, ये बाकायदा इन्होंने आज डिस्प्ले भी कर रखा है कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें हैं। ये बाकायदा बिंदुओं में दिया हुआ है, 20 पॉइंट्स इसमें हैं एक एक करके उन्होंने 1 2 3 4 करके इस तरह का। और इसके अलावा उन्होंने विमेन मैनिफेस्टो भी जारी किया है, वो उन्होंने नंबर शो रख कर रखा है कि 8433 जो है नंबर, इस पर इनका कहना है। और बार बार ये भी कह रहे हैं कि हम जो अपने जो दावा कर रहे हैं मैनिफेस्टो में उसको हम ज़रूर पूरा करेंगे। और बार बार ये भी बात करेंगे सबका जोर, मैं बता दूं इस बार जो है वो छात्राओं की तरफ है, क्योंकि छात्राओं की संख्या इस बार ज़्यादा है जो एडमिशन लेने वाले, जो नए फर्स्ट ईयर की अगर बात करूँ तो उसमें सबसे ज़्यादा छात्राओं के एडमिशन ज़्यादा हुए हैं छात्रों के मुकाबले। इसलिए चाहे वो NSUI हो या फिर विद्यार्थी परिषद हो, सबका जोर इस बार है कि छात्राओं के वोट ज़्यादा से ज़्यादा लिए जाएँ। तो इसको लेकर ही जमीन मैनिफेस्टो इस बार बाकायदा संगठनों की तरफ से जारी किया जा रहा है, और अलग अलग जो महिलाओं के जो मुद्दे हैं, जो छात्राओं के मुद्दे हैं, उनको उठाया भी ज़्यादा जा रहा है और छात्राओं के बीच जाकर उसको एड्रेस करने की कोशिश की जा रही है। तो आप देखते रहिए TV9 Alliance और मुझे दिस एहसास।